नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजी वे ग्लोबल। दोस्तों, संडे सवाल में आप सभी का स्वागत है। आप लोगों को मालूम है कि हम संडे सवाल में आपके प्रश्नों का जवाब देते हैं, आपके जो कमेंट होते हैं उनका हम रिप्लाई करते हैं। तो आइए, आज का हम सवाल शुरू करने वाले हैं संडे सवाल। लेकिन इससे पहले अगर आप भी कमेंट करना चाहते हैं कि आपके भी हम सवालों का जवाब दें, आपके भी मन में कोई समस्या है, कोई प्रश्न है जो पूछना चाहते हैं, तो इस फॉर्मेट में आप भी कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करने का जो फॉर्मेट है, सबसे पहले अपना नाम, इसके बाद अपना ट्रेड ब्रांच, इसके बाद अपना एज लिखना है, कौन से राज्य से हैं, और इसके बाद अपना क्वेश्चन लिखना है। क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से ढंग से लिखिएगा कि हम समझ पाएं कि आप पूछना क्या चाहते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पुराने हैं तो लाइक और शेयर अवश्य करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ममता है इलेक्ट्रीशियन से, कोपा से और बीकॉम, तीन आपका क्वालिफिकेशन है। 33 साल एज हो गया है आपका, ओबीसी से हैं, एमपी से हैं। सर मैरिज हो गया, हो गई थी, स्टडी छूट गई थी, ठीक है सर। डिवोर्स हो जाएगा सर, कौन से जॉब करूं, बहुत परेशान हूं, हेल्प करें। एक तो आपके एज के अनुसार मुझे नहीं लगता कि कोई जॉब गवर्नमेंट में आपके लिए बचा हुआ है, लेकिन एक चीज़ आपके लिए काफ़ी बढ़िया है कि आपने बीकॉम किया है, कॉमर्स का नॉलेज है, और कोपा से आपने आईटीआई भी किया है। इस दोनों क्वालिफिकेशन को ऐड करके आप जिंदगी में आगे बढ़ सकते हो, पैसे कमा सकते हो। सबसे पहला काम करना है, कोपा से अगर आप हो तो कंप्यूटर के जो एमएस ऑफिस होता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, वर्ड एक्सेल और पावर पॉइंट पर कमांड करो, उसका प्रैक्टिस करो, उसका स्किल डेवलप करो, टैली पर स्किल डेवलप करो। और कोई भी ऑफिस हो, गवर्नमेंट कॉलेज हो, सरकारी कॉलेज हो, प्राइवेट स्कूल हो, हर जगह कहीं ना कहीं आपको नौकरी मिल जाएगा और बढ़िया पैसा आप कमाएंगे। संविदा पर भी बहुत सारे कर्मचारियों को रखा जाता है कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए, वहाँ भी आपको नौकरी मिल सकता है। इसीलिए डिवोर्स हो जाएगा या मैरिज हो गया, एज ज़्यादा होगा, उससे कोई मतलब नहीं है। अपने स्किल को डेवलप कर लीजिए, बहुत ज़्यादा अगर आपको नॉलेज आ जाएगा कंप्यूटर पर काम करने का, तो पैसा आपको इतना मिलेगा कि आपको लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। बाकी अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है तो हमारे जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर कॉल कर लो या ईमेल करके अपने रिज्यूम को सेंड कर दो, हम आपको गाइड करेंगे, हम आपको कहीं ना कहीं रोजगार जरूर दे देंगे। शिवानी यादव ट्रैक्टर मैकेनिक से हैं, 24 साल एज है और एमपी से हैं। क्वेश्चन है कि अप्रेंटिसशिप इस साल करेंगे तो क्या अभी भी आने वाली वैकेंसी में हमें अप्रेंटिसशिप का फायदा मिल सकता है? सर एलपी के लिए तैयारी कर रहे हैं। देखिए, एलपी और टेक्नीशियन के लिए कोई अप्रेंटिसशिप का वेटेज नहीं मिलता है, ग्रुप डी में आपको दिया जाता है। अगर आप अभी से तैयारी कीजिएगा और बीच में भर्ती आ जाएगा तो इसका कोई फायदा आपको नहीं मिलने वाला है। तो अगर आप एलपी का तैयारी कर रहे हैं तो अप्रेंटिसशिप करने ना जाए, फोकस करिए अपनी तैयारी पे, गवर्नमेंट जॉब पे, कहीं ना कहीं आपका हो जाएगा। और ट्रैक्टर मैकेनिक में पीएसयू में भी भर्ती आती रहती है, वहाँ भी आपको मौका मिल सकता है। बाकी अप्रेंटिसशिप करना हो, अगर आपके पास टाइम है, लगता है कि हम अप्रेंटिसशिप के साथ भी तैयारी कर लेंगे, तो कोई बात नहीं, कर सकती हैं। लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा होता नहीं है, आप अप्रेंटिसशिप करने जाइएगा, वहाँ सिखाएगा कुछ नहीं, परेशान बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तैयारी पर ध्यान नहीं रहेगा। इसीलिए भर्ती आने वाला है, इधर उधर भटकने का नाम नहीं लेना, तैयारी पर फोकस करिए, ठीक है। नेक्स्ट ममता कुमारी, इनका मैकेनिक डीजल 21 साल एज है और बिहार से है। बोले कि मैं मैकेनिक डीजल से हूँ, क्या मैं अप्रेंटिसशिप कर सकती हूँ क्या? बिल्कुल आप अप्रेंटिसशिप कर सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है। और मैकेनिक डीजल वाले बच्चे के लिए रेलवे में लोको पायलट काफ़ी आसानी से नौकरी मिल जाता है। गर्ल्स हैं आप तो मैकेनिक डीजल से हैं, तो आप असिस्टेंट लोको पायलट पर फोकस करो, उसका कोर्स ज्वाइन करके तैयारी करो, ज़्यादा बढ़िया है। और अप्रेंटिसशिप पूरा चक्कर में ना पड़े तो ज़्यादा बढ़िया है। और अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो बाकी तो आप अप्रेंटिसशिप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और मुझे लगता है कि आप लड़की होकर गवर्नमेंट जॉब के ही फोकस किए हो, क्योंकि डीजल मैकेनिक से आपके लिए बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है, है ना। गवर्नमेंट में आपका, आपके सामने बस रेलवे की भर्ती आ रही है, इसमें हो जाएगा और आराम से हो जाएगा, थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, अप्रेंटिसशिप आप कर सकते हो। रोहित कुमार 21 साल है, प्लम्बर से, बोले किस जॉब का तैयारी करें सर? देखिए, प्लम्बर पे आपके लिए भी बहुत ज़्यादा भर्ती आता है, पीएसयू में तो भर्ती सब जगह प्लम्बर का आता है, नेवी ट्रेडमेंट में भर्ती आ रही है। तो अभी तो आप लगता है कि 21 साल है, जस्ट प्लम्बर से आईटीआई किया है, तो आप सबसे पहला काम करिए, लिस्ट बना लीजिए जितनी भी भर्ती आती है, कहाँ कहाँ आती है, उसका तैयारी कीजिए, और मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और टेक्निकल को पढ़ना शुरू कर दीजिए, नौकरी आपका हो जाएगा। प्लम्बर में भीड़ भी नहीं है, बच्चे भी नहीं है, थोड़ा सा मेहनत करिएगा, नौकरी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये सोहन लाल ट्रेड, इनका MRSC है, मतलब मैकेनिक्स ऑफ रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, और ये सेकेंड ईयर में शायद है, क्या लिखे, एज इनका
जो डेट ऑफ बर्थ है 2006 है, मतलब अभी इनका जो एज होगा लगभग 20 के आसपास होने वाला है, ठीक है। और इनका जो स्टेट है सीकर लिखे हैं, अब पता नहीं सीकर क्या होता है, गलत लिख दिए हैं। अब इनका जो क्वेश्चंस है कि सर घर का हालात सही नहीं है, अब क्या करना है। तो देखिए बाबू, घर का हालात सही नहीं है, मैं मानता हूँ सभी आईटीआई के बच्चों के साथ ये समस्या है। तो घर के हालात सुधरेगा कैसे, इस बात पे थोड़ा सा हम बोलना चाहेंगे। देखिए दो चीज़ें होती है, अगर आपके पास टेक्निकल डिग्री है तो आप घर बैठकर या कोचिंग ज्वाइन करके, कोचिंग में ऑफलाइन क्लास करके ही तैयारी नहीं कर सकते हैं। आज का ज़माना डिजिटल हो गया है, आप ऑनलाइन भी तैयारी कर सकते हैं। अगर आप पे ऐसा परिस्थिति आ पड़ी है कि नहीं आपको कमाना है, तो बिल्कुल कमाइए। और कमाने कहीं हरियाणा, राजस्थान या फैक्ट्रियों में जाकर काम करने की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से अगर आप जो आपका ट्रेड है एमआरएसी, मतलब रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का जो आपका काम है, अगर आप स्किल आपके अंदर है, आप मेंटेनेंस अच्छा कर लेते हैं, तो आपको शहर में ही, जहां आपके आसपास लोकल में शहर है, वहां पर बहुत सारे आपको काम मिल जाएंगे। कहीं भी एसी का इंस्टॉलेशन करना है, किसी का फ्रिज खराब है, किसी के एसी खराब है, ये तमाम चीज़ों का मेंटेनेंस आप कर सकते हैं। आप कई दुकानों से जुड़कर आप अपना व्यवसाय को शुरू कर सकते हैं और साथ में पढ़ाई भी कर सकते हैं, तो दोनों काम हो सकता है। इसीलिए समय का रोना नहीं रोना है, घर की हालत सबकी खराब है, आपका ही नहीं सबके साथ समस्या है। बस समस्याओं में समाधान खोजिए, और समाधान आपका ये है कि आपके पास डिग्री है, हुनर है, अगर आप स्किल आपके पास नहीं है तो कहीं जाकर सीख लीजिए और सीख कर काम शुरू कर दीजिए। बैठने से काम नहीं चलने वाला है, ठीक है, ये काम जरूर कर लीजिएगा आप। नेक्स्ट है अभय मिश्रा का, इलेक्ट्रीशियन इनका ट्रेड है और कैटेगरी ईडब्ल्यूएस है, उत्तर प्रदेश से, एज इनका 23 साल है। क्वेश्चंस क्या है इनका कि सर मैंने इसी साल आईटीआई पास किया है, मैं गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करना चाहता हूँ, मैंने इलेक्ट्रीशियन थ्योरी में कंप्लीट कर लिया है, बट टेस्ट सीरीज में मेरा नंबर नहीं आता है, क्या करूँ। इनका सवाल ये है कि इलेक्ट्रीशियन से ये आईटीआई किए हैं, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, थ्योरी कंप्लीट कर लिए, लेकिन क्वेश्चन जब ये लगाते हैं तो क्वेश्चन इनको समझ में नहीं आता है। तो जब आप थ्योरी कंप्लीट कर लिए, क्वेश्चन लगाते समय क्वेश्चन गलत हो जा रहे हैं बहुत ज़्यादा, मतलब थ्योरी पे आपका कमांड नहीं है, मतलब अच्छे से थ्योरी कंप्लीट नहीं है, कंसेप्ट क्लियर नहीं है। और सरकारी नौकरी के लिए क्वेश्चन का सही होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कैसे सही होता है, जब आपका कंसेप्ट क्लियर होता है। तो सबसे पहला काम करिए, फिर से आप थ्योरी को पढ़िए, और इस बार पढ़ते समय क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर करके पढ़िएगा। जहां पे क्वेश्चन गलत होगा उसका जाकर थ्योरी को रेफर करना है आपको। इस तरह से पढ़ेंगे क्वेश्चन अप्रोच करके, तो आपका जो थ्योरी वाला, जो क्वेश्चंस वाला पोर्शन जो लगता है कि वीक है, क्वेश्चन सही नहीं हो रहा है, वो क्वेश्चन सही होना शुरू हो जाएगा। एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर पहली बार अगर आप पढ़ रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। पहली बार में बहुत ज्यादा क्वेश्चन गलत होगा, 10% ही सही हो सकता है, और ये सबके साथ होता है, तो आपके साथ भी हो रहा होगा। तो जितना ज्यादा हो सके प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए, जहां क्वेश्चन गलत हो रहा है जाकर इसका सलूशन देखिए, इसके थ्योरी को पढ़िए, सारी चीजें 2 से 3 महीने में ठीक हो जाएगा, बस इसको लगातार करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुरेश कुमार का, एज 24 साल है इनका, और ये हरियाणा से है, वेल्डर ट्रेड है, एनसीबीटी से किए हुए हैं, इसके बाद इलेक्ट्रीशियन है और अप्रेंटिसशिप किए, मतलब 2 बार मुझे लगता है कि आपने आईटीआई किया है। फर्स्ट डिवीजन से पास, सही नहीं है, बहुत खराब है, और बोला कि प्राइवेट जॉब या वेल्डर एनसीबीटी से, रेलवे से अप्रेंटिसशिप करूं या गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करूं, प्लीज सजेस्ट करिए। दिल से थैंक आपको, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए अप्रेंटिसशिप नहीं करिए आप, अप्रेंटिसशिप उन बच्चों के लिए जो 18 से 20 22 साल के उम्र वाले हैं, 20 22 साल तक उम्र वाले हैं, वो अप्रेंटिसशिप करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप 20 से ज्यादा एज हो गया है, 21 से ज्यादा एज हो गया, तो आपको अप्रेंटिसशिप करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अप्रेंटिसशिप करने से कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। हाँ, स्किल के लिए काम सीख लीजिए, काम सीखकर अपना बिजनेस करिए, जॉब करिए, वो अच्छी बात है। अप्रेंटिसशिप करने से कोई ज्यादा फायदा नहीं होगा। अगर गवर्नमेंट के लिए सीरियस है तो आपको मेरा सलाह है गवर्नमेंट जॉब का ही तैयारी करें, वेल्डर से, और रेलवे की भर्ती आने वाली है, और रेलवे की भर्ती में आपको मौका मिलने वाला है, तो भाई क्यों अपने मौके के जाने देंगे। तो तैयारी करिए ढंग से, और आपके लिए तो इसरो, डीआरडीओ, बारकोर में भी भर्ती आती रहती है, वहां भी आपको मौका मिल जाएगा।
तो मुझे लगता है इकोनॉमिक हालत सही नहीं है घर का, तो थोड़ा सा जॉब करिए, वेल्डिंग वाला काम सीखे तो वेल्डिंग वाला ही काम करिए, या किसी प्रकार जॉब करिए, ऑनलाइन पढ़ाई जरूर करिए, रेलवे के कोर्स जरूर पढ़िए, रेलवे कोर्स से पढ़ेंगे सबका तैयारी हो जाएगा और जिंदगी बदल सकता है। तो मेरा ये आपका सलाह रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है अजीत चौहान का, ये गाजीपुर से है और इनका ये 16.5 साल है, अब ITI सेकेंड ईयर में फाइनल हो गया है, अब क्या करूं प्लीज हेल्प मी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जॉब भी नहीं कर सकता हूं, मेरे सब दोस्त जॉब कर रहे हैं, मैं घर पे बैठा हूं। देखो बाबू, ढंग से अभी बड़े नहीं हुए, 16.5 साल का एज है, क्यों जॉब करने के पीछे पड़ जाते हो? यही तो दिक्कत है बच्चों का, ढंग से सयान भी नहीं हुए, पैसे के पीछे पड़ जाते हैं, अभी पैसा नहीं कमाना है, घर में दिक्कत भी हो तो नहीं जाना है कहीं, अभी आपने करियर पर ध्यान दो। करना क्या है, इलेक्ट्रीशियन से ITI की हो, इलेक्ट्रीशियन के बहुत ज्यादा भर्ती आता है, बहुत ज्यादा, आप तैयारी करना शुरू कर दो। जब आप 18 साल का होगा ना, अभी 16.5 साल, अभी 1.5 साल टाइम है, 18 साल से फॉर्म भरना शुरू होता है गवर्नमेंट जॉब का, सरकारी नौकरी का, जब 18 साल का होगा तो आपका बहुत ज्यादा तैयारी हो चुका होगा, अगर अभी से अगर तैयारी करोगे, और 19-20 साल तक आपको नौकरी मिल जाएगा कन्फर्म है। आपके सवाल से हम बहुत ज्यादा खुश है, इसलिए खुश है क्योंकि जो लड़का 16.5 साल का है और अपनी लाइफ के बारे में सोच रहा है, कमेंट कर रहा है, यूट्यूब पर सोशल मीडिया पर सर्च कर रहा है कि सर मेरे साथ ये समस्या है, और लड़का को कोई रोक ही नहीं सकता, ये बारूद हो तुम, याद रखना, बस चिंगारी की जरूरत है, आप ब्लास्ट करोगे कहीं ना कहीं आपको नौकरी मिलेगा और बढ़िया जगह मिलेगा, बस जुनून के साथ पढ़ने बैठ जाओ। नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी ना आए पढ़ना शुरू कर दो, सब चीज क्लियर हो जाएगा, समझ में आने लगेगा, बस बाबू अजीत चौहान शुरू कर दो कहानी, और 18 के बाद मिलना हमसे, आपको याद आएंगे हम कि नहीं सर ने सही बोला था। नेक्स्ट है शेरशाह नाम है आपका, और आपका इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है, और आप सहारनपुर से हैं, SC कैटेगरी है, ALP के लिए आप तैयारी करना चाहते हैं, मेरा DRDO हल्द्वानी में अप्रेंटिसशिप में नंबर आया हुआ है, 4 जनवरी को इंटरव्यू है, DV है, और सर मैं विहिप कर तैयारी करूं, किसका तैयारी करूं गुरुदेव, आप ही बताओ कैसे करूं, प्लीज मार्गदर्शन करें। सबसे बड़ा गलती आपने किया है कि अपना एज नहीं लिखा है कहीं पे, और आपके जब एज नहीं पता है हमें तो आपको सजेस्ट करना काफी मुश्किल है मेरे लिए, फिर भी मैं सजेस्ट कर देता हूं आपको, अगर आपका एज 20 से 22 साल के बीच में है तो आप अप्रेंटिसशिप के लिए जा सकते हैं, कीजिए, लेकिन इसमें एक और कंडीशन है, अगर आप रेलवे के लिए सीरियस है, जैसा कि आपने लिखा है कि मुझे DRDO हल्द्वानी अप्रेंटिसशिप हो गया है, कहीं ना कहीं आप ALP यहां पे लिखे हुए हैं, ठीक है, आप रेलवे के लिए सीरियस है, तो रेलवे के लिए सीरियस है तो रिस्क मत लीजिए, मेरे ख्याल से अप्रेंटिसशिप करने से कुछ होना जाना नहीं है, कहीं कोई वेटेज नहीं मिलेगा DRDO में, अगर आप जा रहे हैं तो अप्रेंटिसशिप वहां होगा, टाइम देना पड़ेगा 8 घंटा, 1 साल के लिए आप बंद जाएंगे, और बीच में जब रेलवे की भर्ती आ जाएगी तो कहीं ना कहीं आपका तैयारी में डिस्टर्बेंस आएगा, तो छोटा मोटा चीजों को इग्नोर कर देना चाहिए, जहां पे लक्ष्य निर्धारित हो ना कि मुझे यहां पर जाना है तो बस वहीं पर ध्यान लगाइए, तो मेरे ख्याल से अप्रेंटिसशिप नहीं जाना ही ज्यादा बेटर है, अगर आप रेलवे के लिए सीरियस हैं ALP के लिए, तब बाकी लगता है कि नहीं चलिए कोई भी नौकरी मिल जाए तो फिर आप जा सकते हैं, लेकिन अगर रेलवे के लिए सीरियस है तो रेलवे की नौकरी आपको मिल जाएगा, कैटेगरी भी आपका SC है, बहुत ज्यादा चांस है, तो आप इधर उधर ना जाए, तैयारी पर फोकस करें। नेक्स्ट है रजनी, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है आपका, 21 साल उम्र है, यूपी से है, क्वेश्चन है कि सर मैं क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा है, सर मैंने तो ALP का कोर्स भी परचेज कर लिया है, आप सर ये बताओ कि CITS करूं या ना करूं? CITS बाबू बिल्कुल मत करो, ये मौत का कुआं है, आप जाओगे टाइम डिस्टर्ब होगा, बर्बाद होगा समय, आप इलेक्ट्रीशियन हो, आपको करना क्या है, सबसे पहले ALP का अपने कोर्स ले लिया है, तैयारी में लगे रहो, प्रैक्टिस करते रहो, क्वेश्चन का लगातार प्रैक्टिस करो, शॉर्ट नोट्स बनाओ थ्योरी का और क्वेश्चन का प्रैक्टिस करो, लगभग सारे सब्जेक्ट का 10 बार प्रैक्टिस कर लो, रेलवे के नोटिफिकेशन आने से पहले डेफिनेटली आपको नौकरी मिल जाएगा, इसके अलावा आपके यहाँ तो UPPCL है, UPR रिन्यूअल है, बिहार में BSPCL की भर्ती आने वाली है, तमाम भर्तियां लाइनअप है, भर्ती पर फोकस करो, नौकरी ना कहीं मिल जाएगा, CITS वाले के चक्कर में नहीं पड़ना है, कोई फायदा नहीं है, क्या जिनको जिसने किया है उसको कहीं नौकरी मिला है? नहीं मिला है तो फिर आपको कैसे मिल जाएगा, तो ये नहीं होने वाला है, CITS मत करना, मेरा ये स्ट्रांगली सलाह है।
अगर मेरे से मेरी बातों को मानती हो तो मत जाना, ठीक है। नेक्स्ट है विद्यासागर प्रजापति, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स इनका ट्रेड है, 22 साल उम्र है, बिहार से हैं। बोले सर मेरा आईटीआई कंप्लीट हो गया है, मैं सरकारी जॉब करना चाहता हूँ, बट ये है कि मैंने मेरा मेडिकल में एक कान से सुनाई नहीं देता है और मेरा घर में स्थिति ठीक नहीं है, उसका मेरे घर में 3 बहन है, उसका शादी भी हमें करना है, क्या करूं। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स ट्रेड है आपका, ठीक है, मेडिकल अनफिट है आप और घर की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, बहन का शादी भी करना है, तो मेरे ख्याल से आपको सबसे पहला काम इलेक्ट्रॉनिक्स है तो मोबाइल रिपेयरिंग के काम और कंप्यूटर रिपेयरिंग का काम आप सीख लीजिए। पटना आइए, हरि निवास जाइए, आप सीखिए, बहुत सारे दुकान है जो आपको सिखा देंगे और इस काम में एक्सपर्ट बनिए। इंस्टॉलेशन का भी काम होता है, शहर तक पहुंचिए और जब अपनी स्किल को डेवलप कर लेगा ना तो बहन की शादी इसके सामने कुछ नहीं है, डेली का 1000 रुपया आप कमाएंगे, डेली का 1000 रुपया, 2000, अच्छे टेक्नीशियन हो गए तो 5-10 हज़ार भी रुपये कमा सकते हैं। अब उसके लिए थोड़ा सा लेवल वाला होना पड़ेगा। बहुत सारे शॉप है, बहुत सारे दुकान है जहाँ पर टेक्नीशियन का जरूरत है, एक्चुअल में जरूरत है। तो सारी जिंदगी ही सरकारी नौकरी पूरा जिंदगी नहीं है कि सरकारी नौकरी से ही जिंदगी चलेगा, एक रास्ता है जहां पर टेंशन इंसान का खत्म हो जाता है, सरकारी नौकरी मिल गया, लाइफ सेटल हो गया, बस उतना ही तक सीमित रहता है। पूरी जिंदगी 50,000 ही नौकरी, 50,000 से तो 50,000 ही मिलेगा, लेकिन अगर आपका स्किल डेवलप है, बढ़िया स्किल नॉलेज है, तो आप पैसा बेहतर कमा सकते हैं। तो मेरा सलाह यह है कि आप इधर से बिछड़िए नहीं, एज कम है, तैयारी तो करते रहिए। कहीं कहीं मेडिकल में वहाँ पे बहुत सारे जगह जहाँ पे इतना सीरियस नहीं लिया जाता है, लेकिन पूरी तरह से कान में सुनाई नहीं देता होगा तो ये कहीं नौकरी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको अपने स्किल पे, अपने मेहनत पे भरोसा करके आगे बढ़ना चाहिए। MD आसिफ 24 साल एज है, गया बिहार से, ट्रेड फिटर है, क्वालिफिकेशन 10th ITI, रेलवे अप्रेंटिसशिप की है। क्वेश्चन है कि सर मैं ऑनलाइन तैयारी करना चाहता हूँ, मुझे सिर्फ मैथ का प्रिपरेशन करना है, मुझे मैथ सही से समझ में नहीं आता। एक बार EGV के मैथ ज्वाइन कर लीजिए, राहुल सर पढ़ाते हैं, काफ़ी बेस्ट पढ़ाते हैं। बहुत सारे बच्चों का मैथ में तकलीफ था, सारा तकलीफ दूर हो गया, आपका भी दूर हो जाएगा। बस एक बार जुड़िए EGV से और तैयारी करिए, देखिए आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। फडरीनाथ राठौर फिटर से हैं, 28 साल एज है, महाराष्ट्र से। सर मैं LP टेक्नीशियन का तैयारी कर रहा हूँ, आपके रिकॉर्डेड बैच ज्वाइन करना चाहता हूँ, आपकी फ़ी बहुत ज़्यादा है, ऐसा लगता है कि UPSC MPPSC से भी ज़्यादा फ़ी है, इतना फ़ी मेरे लिए अफोर्डेबल नहीं है। देखिए बाबू, फ़ी की बात करें, आपको लगता है कि ज़्यादा है तो देखो, जो टेक्निकल का फ़ी है मेरे यहाँ वो लगभग 2000 के आसपास है, 1500 से 2000 है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के लिए। मैथ की बात करें तो 1200 फ़ी है, रीजनिंग की बात करें तो 800 फ़ी है, GKGS की बात करें तो ये भी 700-800 के आसपास है, ठीक है। इंजीनियरिंग ड्राइंग और बेसिक साइंस की बात करें तो ये 1200 का है जो ही मिल रहा है आपको। ये सबको जोड़िएगा तो जोड़ कर देख लीजिएगा, ये लगभग 7000 के आसपास चला जाएगा, 7000 चला जाएगा। ये 7000 को हम लोगों ने कन्वर्ट करके 3000 में लाए हैं, 3000 में ये सारे सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे, ये सारे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट ही नहीं मिलेंगे आपको, इसके साथ में लाइव क्लास भी मिलता है, ठीक है ना, क्वेश्चंस बैंक मिलता है, क्वेश्चंस बैंक फ्री मिलता है। क्वेश्चन बैंक का पता है मेरे यहाँ 599 रुपये लगता है, आपको फ्री में देंगे। स्टडी मटेरियल आपको फ्री मिलता है, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हम लोग फ्री में देते हैं और इसका सोल्यूशन भी करवाते हैं। क्वेश्चंस बैंक में जितने भी प्रश्न होंगे सबका सोल्यूशन हम लोग करवाते हैं, इतना सारा चीज करते हैं। 6-6 फैकल्टी आपको पढ़ाता है तो एक फैकल्टी पे कितना पैसा बचता होगा, GST काटता है, इनकम टैक्स काटता है, इतने खर्चे हैं। एक फैकल्टी की बात करें तो 3000 में एक फैकल्टी को 100 रुपये के आसपास पैसा बचता है। अब 100 रुपये भी नहीं बचेगा तो इंसान कैसे जिंदा रहेगा, खर्च है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। यही ना, 3000 का 1500 का जूता शर्ट खरीद लेते होंगे, एक साल में फट जाता होगा, बर्बाद हो जाता होगा, लेकिन आपको जब इस पे काम करना है ना दिमाग पे, तो पैसे खर्च करने में इंसान 10 बार सोचता है, जाकर मूवी देख लेगा, मोबाइल महंगा 6000 का खरीद लेगा, 3000 से भी काम चलेगा नहीं, 6000 खरीद लोगे उस समय पैसे नहीं देोगे, लेकिन जहाँ पे जिंदगी बनने वाली है ना वहाँ पे पैसे की आपको बहुत वैल्यू नजर आती है। भगवान करे आपके पास पैसे बहुत आ जाए और आप जिंदगी में सक्सेस हो जाए, लेकिन ये इंटेंशन अगर का है कि फ़ी बहुत ज़्यादा है तो ये गलत बात है। ये ऐसा कुछ नहीं है कि आपके पास मोबाइल नहीं है, गए थे मोबाइल खरीदना, वहाँ पर लेना चाहिए 2000 का मोबाइल, 3000 का मोबाइल भी काम चल जाता,
नहीं तो आप सबसे बढ़िया वाला मोबाइल लिए होंगे, रिचार्ज भी 2 GB पर डे कराते होंगे, उसमें तो नहीं लग रहा है तकलीफ, लेकिन यहाँ तकलीफ हो रहा है। क्यों? क्योंकि अभी आपको समझदारी नहीं है कि आपको जो हम दे रहे हैं ना उससे कितना बड़ा चीज होने वाला है, उस चीज को समझिए। कभी भी विद्या ना, विद्या को पैसे से मत तोलिए, सिस्टम को चलाने के लिए पैसा की आवश्यकता है और ये रहेगा। मेरा फी हो सकता है 200-300 ज्यादा हो बाकी लोगों के कंपेरिजन में, लेकिन बाकी लोगों के कंपेरिजन में हम जो जो चीज देते हैं ना वो कोई नहीं देता है, याद रखिएगा। लाइफ टाइम सपोर्ट देते हैं, रेलवे के एग्जाम तक इसकी वैलिडिटी है। अब क्या करें यार, फिर भी आप ऐसा कमेंट करते हो, कोई बात नहीं, आप मेरे ऑफिस आना, आपको हम फ्री में देंगे, ठीक है, पटना आना ऑफिस। और बाकी अगर आप लोगों को भी कमेंट करना है, कोई हमसे प्रश्न पूछना चाहते हैं, कोई सवाल है मन में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, अगले एपिसोड में हम इस प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही था, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।